जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल के मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मैंने एनसीईआरटी की सभी सब्जेक्ट की डेली टू डेली एक वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है, खासतौर से हिंदी माध्यम के लिए। तो आज हम हिंदी माध्यम है तो एनसीईआरटी किताबें जो है सामाजिक विज्ञान से संबंधित अर्थशास्त्र विषय पर जो है किताबों का नाम मैं बताऊँगा। आप जो है कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए, एक तरफ से लिखना स्टार्ट। आप सभी यह जानते होंगे कि संघ लोक सेवा आयोग में प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए कौन सी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं पुस्तकों के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। अर्थशास्त्र से संबंधित सामाजिक विज्ञान बेसिक स्टैंडर्ड में हम क्या कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे, तो अर्थशास्त्र में जो है अर्थशास्त्र से संबंधित क्रम संख्या एक में कक्षा नौ के लिए आप जो है किताब का नाम है अर्थशास्त्र के नाम से आएगी। कक्षा नौ के लिए यह अर्थशास्त्र की पाठ पुस्तक होगी, ठीक है। क्रम संख्या दो में आ जाएंगे तो कक्षा दस के लिए जो है आपकी बुक का नाम जो है किताब का नाम होगा अर्थशास्त्र से संबंधित जो होगी आर्थिक विकास की समझ, ये बुक ले लीजिएगा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी। और क्रम संख्या तीन में कक्षा ग्यारह के लिए दो बुक्स आपको पढ़ना है अर्थशास्त्र की। पहली बुक जो होगी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ठीक है, और दूसरी बुक जो होगी आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये कक्षा 11 के लिए आपकी अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक होगी, ध्यान दीजिएगा। और क्रम संख्या 4 की बात कर लेते हैं तो आपका कक्षा 12 में दो बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, एनसीईआरटी से संबंधित। तो उस बुक का नाम है, पहली बुक का नाम व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, और दूसरा जो है बुक्स होगी समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। एनसीईआरटी अगर यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक स्टैंडर्ड लेवल स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आप हायर स्टैंडर्ड लेवल की इकोनॉमिक्स की बुक जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको समझने में कोई भी निश्चित तौर पर कोई भी परेशानी या दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है, इतना याद रखिए। जैसे ही आप हायर लेवल की जो है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हायर लेवल की स्टैंडर्ड की बुक पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। यदि आपको, मैं ये बता दे रहा हूँ, आप जो है हायर स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पहले, मैं बार बार ये आप सभी से कहता हूँ, बिना एनसीईआरटी पढ़े यदि आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर जल्दी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी बेसिक से चलें, बेसिक से शुरुआत करें और निश्चित तौर पर आगे हायर स्टैंडर्ड लेवल आपको बहुत अच्छे तरीके से किताबें जो है समझ में आ जाएंगी। तो आप अपने बेसिक को पूरा तरीके से सारा प्रिपरेशन कर लें, दोहरा लें, रिवीजन कर लें तीन तीन चार चार बार, उसके बाद हायर स्टैंडर्ड लेवल की बुक पर अध्ययन करें, निश्चित तौर पर उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी और इकोनॉमिक्स में आपको मार्क्स गेन करने में निश्चित तौर पर अधिक से अधिक आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। और आपको जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स उसमें आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे, उस पर भी आपका कमांड हो जाएगा अच्छे तरीके से। यदि आपका कोई सवाल है या किसी विषय से संबंधित, चाहे वह कोई भी विषय हो जिसकी आप बुक्स जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तभी मैं आपके प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा। और वैसे भी मैं बनाना तो शुरू कर ही दिया हूं, प्रत्येक सब्जेक्ट का बनाऊंगा, वो चाहे कोई भी विषय हो। अभी मैं स्पेशली सोशल साइंस के जो ब्रांचेज हैं उनकी मैंने शुरुआत की है, मैं बना रहा हूं उन वीडियो को। तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करके बताएं, तभी मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगा। और आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए निश्चित तौर पर अपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि टाइम इज अ मनी, आप जानते हो, डोंट वेस्ट योर टाइम, समय की बर्बादी मत करिए, समय वास्तविक में वास्तविक धन है। द रियलिटी ऑफ मनी, टाइम, पावर ऑफ टाइम। तो इसके महत्वपूर्ण को ध्यान दें और अपने समय को देखते हुए और उसके साथ साथ हर चीज़ मैनेजमेंट करते हुए आप समझदार हैं, बाकी सब कुछ समझते हैं। और जो भी सवाल होगा आप कमेंट करके निश्चित तौर पर बताएं। फिर मिलेंगे हम अगली नई एनसीईआरटी सोशल साइंस के जो है बुक सीरीज में, आपको नाम बताएंगे, वही वही बुक्स लीजिए और निश्चित तौर पर आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर पाएंगे। और ये वीडियो उन सभी के पास शेयर करिए जो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी के बुक्स का नाम हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी नहीं जानते। फिर मिलेंगे हम तब तक के लिए अगले नए एनसीईआरटी सब्जेक्ट के जो बनाएंगे, जो विषय बनाएंगे हिंदी माध्यम हेतु, उस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। जय हिंद अगेन्स।